catch all the electrifying PSL 9 action exclusively on A Sports. Don't miss out. कोई आया? नहीं ना। तुम्हारा कैरेक्टर क्या है हम सब अच्छी तरह जानते हैं। मैं बहुत आराम से तुम्हें समझा रहा हूं कि तुम अब भी और इसी वक्त ये घर छोड़ दो। मैं हूं मेरा गैर मेरे किस काम के। प्रॉमिस मी के बाद तुम किसी से नहीं करोगे। नहीं बताऊंगी। नॉट इवन जैद। हुआ क्या है? उस लड़की ने अंकल का जीना हराम कर रखा था। अंकल ने उसे लाख समझाया कि तुम अपने घर चली जाओ, लेकिन वो नहीं जा रही। अंकल ने तंग आकर उसको कमरे में बंद कर दिया। मैं ऑफिस की फाइल से नहीं गया था, मैंने आयरा की आवाजें सुनी, चीख रही थी यार, मुझे उस पर रहम आ गया, तो आज मैं उसको रेस्क्यू करने गया था। लेकिन क्या गलती मेरी है कि मैं उसकी हेल्प करने गया? मैंने जैसे कमरे का दरवाजा खोला है, वो तो शायद बैठी हुई थी कि रेहान आए और मैं उस पर इल्जाम लगाऊं। कैसे हो सकता है कृष्णाला? क्या मैं इतना घटिया इंसान हूं, इतना गिरा हुआ इंसान हूं कि मैं किसी लड़की के साथ ऐसा करूंगा? क्या तुम्हारे घर में मेरी ये रिस्पेक्ट है, मेरी ये वैल्यू है कि कोई भी उठ के रेहान को बातें लगाना शुरू? नहीं रेहान, बिल्कुल भी नहीं। कृष्णाला, और तो और अंकल, अंकल क्या कह? अंकल कह रहे हैं कि अगर ये बात किसी को पता लगी कुछ वाला मेरी बहुत इंसल्ट हुई। हम ये सॉर्ट आउट कर लेंगे, डोंट वरी। मैं बात कर लूंगी डैड से। पक्का? हाँ। You will look into it, right? Of course, don't worry. तुम फ्रेश होके आ जाओ। जैद, तुम्हें अभी के अभी पाकिस्तान आना होगा। इश्माला, हुआ क्या है? बस तुम वापस आओ अभी के अभी। यार क्यों परेशान कर रही हो? मैं आयरा की वजह से पहले इतना परेशान हूँ। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कि अभी आयरा ने क्या किया है। ठीक है, आई नीड यू टू कम टू पाकिस्तान ताकि तुम खुद ही देख लो कि ये लड़की क्या करते फिर रही है। हेलो, हाँ जैद, कहाँ हो तुम? शॉपिंग पर जाना है ना हमने? हम पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। क्यों? कश्मारा का फोन आया था, वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई है। अब उसे क्या हुआ है? तुम सामान पैक करो, मैं टिकट्स करवा रहा हूँ।
How is my beautiful daughter? I hope you are enjoying yourselves, eh? क्या खाक enjoy कर रहे होंगे dad? वापस आ रहे हैं हम. What? क्यों? ये बात तो आप आसिफ अंकल उनकी बेटी से पूछे ना. जैद को इमरजेंसी में वापस बुलवाया है. अरे भाई ऐसा क्या हो गया है? डैड आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आप पता लगाएं ऐसा क्या हुआ है कि आसिफ अंकल काशमाला के कहने पर हमारे ये ट्रिप खराब कर रहे हैं. डोंट वरी, मैं पता करता हूँ. I'll handle it, okay? मत कीजिए हैंडल, हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए. एक्सक्यूज मी, वेयर इज योर कार? सबा, जी सर. कश्माला को बुलाएं जरा. सर वो सुबह उठ के सर आसिफ के घर जा चुकी हैं. इतनी सुबह? जी. रायान किधर है? वो अपने रूम में. बुलाइए. जी. Good morning, Dad. Good morning. ये कश्माला को इतनी सुबह अपने बाप के पास जाने की क्या जरूरत पड़ गई? Dad गया था कि वो आसिफ अंकल से बात कर सके. और ये क्या चक्कर है? कश्माला और आसिफ ने इतनी जल्दी जैद को क्यों बुलवाया वापस? Do you know मुबशरा कितनी नाराज है? She's so angry. Not again, Dad. आपको इस सब में भी मुबशरा नजर आ रही है. आपको ये नजर नहीं आ रहा कि आपके बेटे रेहान के साथ क्या हो रहा है? भाई यही तो पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? Would you like to tell it to your father? Dad, let me tell you. जी. इतना कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रहे हो. As if you care, Dad. आपको सिर्फ मुबशरा का ख्याल. आपको क्या फर्क पड़ता है कि आपके बेटे रेहान के साथ क्या हो रहा है? Have you gone mad? अगर कोई तुम पर उंगली उठाएगा, that means he's pointing at me. और मैं ये होने नहीं दूंगा. पहले उस लड़की ने मेरी बेटी के हक पर डाका डाला. I'll have to settle it today. Let's see, Dad. Hello. आसिफ यार ये क्या हो रहा है? What is happening? क्या क्या? ये जैद और मुबशरा को अचानक इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया गया है? जैद की बीवी ने रायन के ऊपर एक अजीबोगरीब किस्म का मैंने सुना है इल्जाम लगाया. व्हाट इज हैपनिंग? जाफर इतना हाइपर एक्टिव होने की इस वक्त जरूरत नहीं है. मैं हैंडल कर रहा हूं ना. लेट मी हैंडल इट. नहीं, मैं आके खुद जैद से बात करता हूं. आई विल टॉक टू हिम. मैंने नहीं तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है. मैं हैंडल कर रहा हूं और मैं तुम्हें कल दफ्तर आकर इसका कंप्लीट अपडेट दे दूंगा. यू जस्ट रिलैक्स एंड ट्रस्ट मी. मुझे पता है इस चीज को कैसे हैंडल करना है. हाँ, यू मस्ट. आई एम नॉट हाइपर. आई एम जस्ट वेरी कंसर्न्ड. खुदा हाफिज़. तुम्हारी बीवी ने मेरे शौहर पे इल्जाम लगाया, उसकी हिम्मत कैसे हुई? आपने तो कहा था कि वो अपने घर गई भी है. तो आ गई होगी ना? झूठ बोल रहे हैं आप. आपने मुझे इस घर में 3 दिन कैद रखा है, मेरा सेलफोन अपने पास रखा. जैद ये वाली कहानी सुनाई है इन्होंने तुम्हें? अच्छा,
मुझे घर में बंद करके रखा हुआ था, कैद किया हुआ था, मेरा सेलफोन छीना हुआ था, और ये और इसके भाई ने मुझे हरास करने की। बहुत बकवास करती हो तुम, बस सर, मैं इस लड़की का विक्टिम बनते बनते थक गया। I've had it. थक तो मैं गई हूँ, तुम थक गई हो, तुम थक गई हो। ये मेरे शोर पे इल्जाम लगा रही है, तुम माफी मांगनी होगी बयान से। मैं माफी मांगूंगी उस जानवर से। हाँ, बाहर में गया तुम्हारा सो कॉल्ड खानदानी घर। आयरा, जस्ट calm down, please. मैं आ गया ना, just calm down, please. You know what? तुम्हें अभी और इसी वक्त फैसला लेना होगा। जैन, मुझे तुम्हारा फैसला चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्लीज काम रहा हूँ। जैन, मुझे सिर्फ तुम्हारा फैसला चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्लीज काम रहा हूँ। ए लड़की, पहला फैसला आसिफ खान करेगा। जैद, या तुम मेरा साथ दोगे और अपनी बहन का मान निभाओगे, या फिर इस लड़की के साथ चले जाओ। मगर याद रखना, उसके बाद तुम्हारा और हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। मुझे तुम्हारा फैसला चाहिए, मुझे तुम्हारी बात सुननी है, बस। अगर ऐसा कुछ भी हुआ, अगर ऐसा कुछ भी हो, अगर अगर बस हो गया फैसला, एजाज मेरा फोन दो, किधर हो तुम? जितना इस लड़की ने मुझे तंग करके रखा हुआ था मैं बता नहीं सकता। कभी वक्त बेवक्त मजदूर घर पे आ जाते, कभी मेरे, कैन यू बिलीव इट, मेरे कमरे की लाइट, मेरी लाइट तक कट गई। और कभी कभी कोई औरत उठ के मेरे से निकाह का क्लेम करने लग जाती है, और कभी कभी तो You guys remember? ऐसी एक औरत खड़ी हो गई, उसने कहा कि उसका मेरे साथ निकाह है। आखिर में मैंने तंग आकर कहा कि बीबी मेरी जान छोड़ो, चली जाओ यहां से। मुंह उठाकर चली गई, और फिर अचानक वापस आ गई। She is very conniving. रियान आया तो उसने मौका पाते ही शोर मचाना शुरू कर दिया, और उसने मौका पाकर देखा कि यही वो मौका है कि इस घर में आग लगा दे। She wanted to create a scene and she did that. और जानते हो गए उसने ये सब क्यों किया? And this is no rocket science. इसलिए कि वो लड़की साइकोपैथ है, सेडिस्ट है, एक्सट्रीमिस्ट है, क्योंकि हमने उसको टफ टाइम दिया,
वो अपना स्वीट रिवेंज ले रही है, बदला ले रही है हम सबसे चुन चुन कर। और क्योंकि उसको ये पता है कि मेरा बेटा मेरे कहने में नहीं है, मेरा यकीन नहीं करेगा, उसका फायदा उठा रही है। और उसके मुंह में जो आता है वो बकती है, और जो चाहती है वो करती है, और यही उसने किया और आज तक करती आई है। बहरहाल खस कम जहां पाक। आपने मुझे इस घर में 3 दिन कैद रखे, मेरा सेल फोन अपने पास रखा। जैद ये वाली कहानी सुनाई है इन्होंने तुम्हें? और इसके भाई ने मुझे हरास करने की। मेरे कमरे में आइए प्लीज। जी सर, आपने बुलाया? जो कुछ भी पूछूंगा सच सच बताना। जी क्या हुआ यहाँ आयरा के साथ? सर पता नहीं, मेरे जाने के कितने टाइम बाद आयरा यहां से गई? सर मुझे नहीं पता। यानी इस घर में जो कुछ भी होता है इस सारे टाइम में तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता? नो सर। जाओ। सच जान ढूंढ लूंगा मैं, और जिस दिन ढूंढ लिया ना सबको बर्बाद कर दूंगा। मैं हूं मेरा गैर मेरे किस काम के।
ऐसे क्या देख रहे हो? देख नहीं रहे हो? ढूंढ रहा हूं और ढूंढ लूंगा। हाँ, मेरा प्रोटीन शेक किधर है? मैंने जिम जाने में लेट हो रहा हूं। यस प्लीज। ओ वेलकम सिस्टर, वेलकम। सच क्या है? कैसा सच? क्या किया है तुमने आयरा के साथ? आयरा? वैसे पहली बार होगा। वो क्या कहते हैं, सौतन, कि एक सौतन दूसरी सौतन को डिफेंड करने आई है। वैसे सौतन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शट अप। क्या करने आए थे तुम हमारे घर? उसे रेस्क्यू करने आया था। Rescue. जो तुम्हारे फादर इन लॉ है ना, उन्होंने उसे कमरे में बंद किया हुआ था। It's a top secret. अपनी जैद की मोहब्बत में आके ये बात उसको बता मत देना। तुम्हें क्या जरूरत थी उस पर रहम खाने की? उसके घर गया था, वो हेल्प के लिए पुकार रही थी। तरस आ गया उस पर, बहुत तरस आया। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं जाके दरवाजा खोलूंगा और वो इस इंतजार में बैठी होगी कि ये आए और मैं इस पर इल्जाम लगाऊं। लिसन रिया, मुझे अच्छे से अंदाजा है कि तुम किस हद तक जा सकते हो और वो किस हद तक जा सकती है। एक बात का ख्याल रखना, मेरा रिलेशनशिप सफर नहीं करना चाहिए। मैं इस वक्त कोई भी लूज बॉल अफोर्ड नहीं कर सकती और ना ही अपने रिलेशनशिप को विथड्रॉ करने को तैयार हूं। तुम्हारी वजह से कुछ भी हुआ ना रयान, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। Do you have any proof? दुआ करना कि जैद को कोई प्रूफ ना मिले। Let me remind you one thing. I'm Rayan Jaffer. मुझ तक पहुंचने से पहले जैद को अपने बाप और बहन दोनों को आग लगाना होगा। Let me remind you one thing. I'm Mubashira Jaffer. तुम तो जानते हो पागल हूं मैं। हुँ?
मामला मेरा था, मेरी इज्जत का, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का। सबके सामने मुझे नीचा दिखाया गया, सबके सामने। और वो लड़का क्या सोचता होगा, मेरी तो वाकई कोई इज्जत ही नहीं है। आसिफ साहब ने मुझे उस जानवर के सामने इस तरह से फेंक दिया कि जो चाहे करे वो मेरे साथ। प्लीज रिलैक्स। कैसे रिलैक्स करूं भाभी, मेरा सब कुछ चला गया, मेरा भाई गया, मेरी नौकरी गई, मेरी इज्जत, मेरा एतबार, सब कुछ। एक रिश्ता बचा था ना, आज वो भी खत्म हो गया, हमेशा हमेशा के लिए। कैसी बातें कर, बिल्कुल ठीक कह रही हूं मैं भाभी, बस बहुत हो गया। आपके कहने पे मैं उस घर गई थी, आपने कहा था ना जाओ अपने शौहर से बात करो, उसे समझाओ, वो समझेगा। कौन सी सुन ली उसने मेरी बात, नहीं सुनी। नहीं जाएंगे आप। आयरा कोई और भी हो सकता है। नहीं, ये वही है, इस शिद्दत से, इस बदतमीजी से इस वक्त वही बेल बजा रहे। नहीं जाएंगे आप। अगर आप गईं तो मैं ये घर भी छोड़ के चली जाऊंगी। सी बातें करें, नहीं जा रही, कहीं नहीं जा रही। कुछ भी नहीं पाया, ये तू कहां लाया, उमड़े हुए साया, ये मौसम तो ऐसे न थे, हम उस राह से तेरी वफा कम गुजरे, जिस राह से उस राह से वो जो
बाबा प्लीज जरा मेरी आयरा से बात करवाइए। वो तो चली गई जी। घर चली गई है? क्यों और कब? हाउ डू आई नो दैट? मुझे क्या पता। तुम कुछ शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो मुझसे। कुछ शेयर नहीं करना। ज्यादा मसले का हल नहीं निकालना मुझे। सच जानना, सच बता सकती हूँ। सच जानना ढूंढ लूंगा मैं, और जिस दिन ढूंढ लिया ना सबको बर्बाद कर दूंगा, सबको। मैं तुम्हारे साथ नहीं चाहिए तुम्हारा साथ। तुम सबने मिलके मेरे इर्द गिर्द एक अजीब किस्म की दुनिया बनाई हुई है ना, इसमें पता ही नहीं चलता कि कौन मेरे साथ है कौन मेरे खिलाफ है। इससे निकलना है मुझे। तुम्हें कि मुझ पर तो डाउट नहीं, अगर ऐसा है तो तुम कह सकते हो, मुझे बता सकते हो। मुझे आयरा के अलावा मुझे हर एक शख्स में डाउट है। कितनी अजीब बात है, अपनों को अपनों में तलाश कर रहा हूं, हार रहा हूं। जी सर, आपने बुलाया। 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक आयरा कहाँ थी? सर वो मैं तो छुट्टियों पे था सर। Are you sure? Yes, sir. Leave. Okay, sir. We'll be right back.
नसीब, जैद सर को बुला के लेकर आओ ब्रेकफास्ट के लिए। तो दिन इस जैद, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। तुम करो, मुझे कुछ काम है। कहाँ जा रहे हो तुम? क्यों? नहीं, हमारी बहुत सारी मीटिंग्स लाइन अप है ना, इसलिए पूछ रही थी। सारी मीटिंग्स, ऑफिस, एवरीथिंग सब कैंसिल करता हूँ। क्यों? मतलब कब तक? जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि यहाँ पे आयरा के साथ क्या हुआ था, तब तक। ऐसे ही कह रहे फोड़ने का, फोड़ रखो। फिफ्थ में बुलाया जाए सब? हाँ, कुछ डेटा मिसिंग है। एक्चुअली वही सब कुछ मिसिंग है जो मैं देखना चाहता हूँ। व्हाई? मे बी कैमराज मैलफंक्शन कर गए उसमें। रियली? आपकी जिम्मेदारी है, आप ध्यान से काम नहीं करते। एक्चुअली सर, आदित्य साहब के ऑर्डर्स हैं, हमारा ज्यादा फोकस ऑफिस को सुनने पर है। अच्छा, और क्या क्या ऑर्डर्स हैं आपके आदित्य साहब के? लेकिन जैद साहब, आदित्य साहब के मुझे बहुत एहसानात हैं। मेरे वालिद कैंसर पेशेंट हैं और उनका महंगा ट्रीटमेंट। हाँ, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड। और इसका मतलब है कि उनके सारे जायज नाजायज काम आप करें, सच को झूठ, झूठ को सच करें। सर, मैंने कहा ना, मैं भी मैल जावेद कर दे। अगर आप चाहते हैं कि आपके वालिद का इलाज चलता रहे और उसके साथ साथ आपकी नौकरी भी चलती रहे, इसको रिकवर करें एज सून एज पॉसिबल। ओके सर।
PSL 9 live and exclusive only on A Sports.